हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और सुबह सुबह का नज़ारा ना बहुत अच्छा लगता है एकदम। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अभी थोड़े बहुत लोग निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और मैं यहाँ पे कर लेती हूँ टिफिन की तैयारी। तो आज मैं बनाऊंगी कैप्सिकम की सूखी सब्जी। इसके लिए मैंने आलू, कैप्सिकम, प्याज, अदरक, लहसुन सब ले लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 आलू छोटे छोटे काट के उन्हें बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ कैप्सिकम। सुबह का टाइम है, जल्दबाजी रहती है, जल्दी जल्दी टिफिन बनाना रहता है पैक, तो इसलिए मैं थोड़ा रेडीमेड काम करती हूँ। जैसे मैंने आलू बॉईल कर लिए पहले और यहाँ पे मैं कैप्सिकम भी जल्दी से काट लिए हैं। यहाँ पे मैं प्याज, कैप्सिकम के बाद मैं काट लेती हूँ प्याज को बारीक बारीक। प्याज बारीक बारीक काटना हो जाए तो आलू बॉईल करने से क्या होता है कि एक सब्जी थोड़ी जल्दी से ज़्यादा देर हमें पकानी नहीं पड़ती है, क्योंकि आलू बॉईल हो गए तो सिर्फ कैप्सिकम, प्याज और अदरक लहसुन पकने में जितना टाइम लगेगा उतने में, और फिर जल्दी से मेरी सब्जी भी हो जाएगी। तो आप कितने लोग मेरी तरह ऐसा टेक्निक अपनाते हैं कि टिफिन जल्दी बन जाए और ये कह रहे, तो प्लीज़ बताइएगा। ज़्यादातर लोग करते ही है। तो यहाँ पे प्याज मैंने बारीक काट लिया है, यहाँ पे अदरक को मैं 1/2 इंच जितना अदरक ले लूँगी इसमें यहाँ पे, और 7-8 कलियाँ मैंने लहसुन के ले लिए हैं। तो इन सबको मैं रफली चॉप करूँगी, लहसुन को भी अदरक को भी, जो ग्रेटर रहता है ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी अदरक लहसुन। और यहाँ पे ले ली है मैंने कढ़ाई में ले लिया है मैंने सरसों का तेल 1 टीस्पून जितना, ज़्यादा नहीं, कि सिर्फ जो कैप्सिकम है कैप्सिकम को थोड़ा सा अच्छे से भून ले और कैप्सिकम का जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए इसलिए। और कैप्सिकम जब हम लोग सब्जी में बनाते हैं ना तो कैप्सिकम कैसे नरम नरम रह जाती है, वो क्रंचीनेस नहीं रहता है। तो सिर्फ क्रंचीनेस रहने के लिए इतना थोड़ा सा हल्का फास्ट गैस में आपको घुमाना है और आपका कैप्सिकम हो जाएगा। बस हल्का हल्का थोड़ा सा ब्राउन दाग लग जाए उसके बाद आप उठा के रख लीजिए। और ये हो गया मेरा कैप्सिकम रेडी। और यहाँ पे वापस मैं 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा तेल लूँगी, वही सरसों का तेल में ही आज मैं खाना बनाने लगी। हमारे घर पे डेली सरसों के तेल में ही खाना बनता है, कभी कभी बाय चांस कोई और तेल यूज़ कर लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पे ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून जितना, और उसमें वहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी अच्छे से भून लूंगी, एकदम ज्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा पिंक रंग आ जाए तब तक। और फिर उसी के साथ ही मैं डाल दे रही हूँ अदरक और लहसुन जो मैंने एकदम ग्रेट किया हुआ है, और कुछ नहीं, आपको दिख रहा होगा ग्रेट किया हुआ है, पेस्ट वेस्ट नहीं है, तो ऐसे ही ग्रेट किया हुआ है। तो ये भी अच्छे से भुन गया है, अब इसी में ही हम लोग बाकी सब जो चीज़ें हैं ऐड कर लेंगे। तो अब इसके बाद ये प्याज लहसुन और ये सब अच्छे से भुन गया है, तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी टमाटर। टमाटर को भी मैंने रफली चॉप किया है, बड़े बड़े काटे हैं, क्योंकि इन सबको मैं एक साथ मिलाकर, सारे मसालों को मिलाकर आलू कैप्सिकम में डाल दूंगी और ये एक साथ ही सब पक जाएंगे। और टमाटर का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, ये पूरा मैश नहीं होगा पर थोड़ा थोड़ा अच्छा रहेगा तो सब्जी के साथ खाने में अच्छा लगता है। तो अब कैप्सिकम मैंने डाल दिए और जो बॉईल किए हुए आलू थे वो आलू भी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और उसके बाद बाकी के जो बेसिक से हमारे मसाले हैं वो भी हम ऐड कर लेंगे साथ ही में। तो यहाँ पे मैंने आलू ऐड कर लिया है और अब बारी है बेसिक मसालों की, जैसे कि नमक डाल दिया है। नमक आप थोड़ा ध्यान से डालिएगा, मैंने कम डाला है, आप भी थोड़ा स्वाद अनुसार जैसा आप खाते हैं वैसे ही। और हल्दी, उसके बाद धनिया जीरे का पाउडर, और उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर, जैसा प्रेफर करते हैं तीखा खाना वैसा डालिएगा, मैंने थोड़ा स्पाइसी बनाया है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये जब अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि उसी भाप में पूरी सब्जी को अच्छे से पकना है, इसलिए इसमें कोई पानी नहीं रहेगा, कुछ नहीं, पूरी ऐसी सूखी सब्जी रहेगी और ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी चीनी ऐड कर लूंगी इसमें, हल्का सा, जो पंजीनेस रहता है कैप्सिकम और इसका, तो इसके लिए थोड़ी सी हल्की सी चीनी ऐड कर रही हूँ।
तो सारे मसाले और चीनी और ये सब पूरे सब्जी एक साथ अच्छे से बनके रेडी हो जाएगी। एकदम कम आंच पे ढक के हमें बनानी है ये सब्जी, जब तक कैप्सिकम और टमाटर गल ना जाए तब तक, पक ना जाए तब तक। और अब ये थोड़ा सा, आप देखिएगा मैंने एकदम थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बस इसी पानी इसी भाप में ये पूरी सब्जी बन जानी है, पूरी सूखी सब्जी। तो अब हम इसे ढक देते हैं, ढक के मैं इसे 5 से 10 मिनट एकदम कम आंच पे, मैंने एकदम ही कम आंच पे रखती रखा है। और अब मैं आपको लेकर जाती हूँ धनिया, जहाँ मैंने धनिया लगाई है छत पे, हमारे यहाँ पे धनिया लगी हुई है, तो धनिया निकाल लेते हैं। फ्रेश धनिए का स्वाद ना डबल कर देता है सब्जी को। तो धनिया मैं यहाँ से ले लेती हूँ, थोड़ी सी धनिया पत्ती यहाँ से ले लेते हैं, तब तक सब्जी मेरी हो रही है। आटा भी मैंने लगा लिया था साथ ही साथ, तो यहाँ पे ये सब्जी मेरी अच्छे से बन जाए, वे धनिया पत्ती इतनी काफी होगी। तो ये धनिया पत्ती अब मैं जाके चॉप कर लूंगी, और आप यहाँ पे देखिए सब्जी एकदम रेडी है और बहुत ही अच्छी बनी है। टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, और अब ये मैं धनिया पत्ती ऐड कर लूंगी इसमें, फ्रेश धनिया एकदम जैसे मैंने कहा कि डबल स्वाद ऐड करेगी इसमें, बहुत ही अच्छा लगता है। और एक फ्रेश धनिया की जो फ्रेग्रेंस रहती है ना, खुशबू रहती है, बहुत ही अच्छी आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, इसलिए मैंने थोड़ी ज्यादा धनिया पत्ती ऐड करी है। तो बस यहाँ पे एकदम सब्जी रेडी है, बहुत ही अच्छी भी लगती है खाने में, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे मैं अब ढक के रख देती हूँ रोटियां बनाने तक, फुलके मेरे बन जाएंगे, उसके बाद मैं एक ही भारी टिफिन पैक करूंगी। तो इसे बस अब ढक के हमें रख देना है। तो बन के रेडी है सब्जी, और यहाँ पे गरम गरम फुलके भी अब मैं बना लूंगी। गरम गरम फुलकों के साथ, या फिर आप अगर गरम गरम फुलकों में घी भी लगाओ तो भी बहुत अच्छी लगती है सब्जी के साथ खाने में। पराठे से ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि फुलके हो, तो फिर बहुत ही अच्छी लगती है सूखी सब्जी खाने में। सबकी अलग अलग पसंद है, आप लोगों को कैसा पसंद है वो बताइएगा, और प्लीज मुझे रिकमेंड कीजिएगा कि इसके बाद में कौन सी सब्जी बनाओ टिफिन के लिए, क्योंकि डेली डेली समझ में नहीं आता है, तो वही रेसिपी मैं फिर आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे फुलके बन के एकदम रेडी है, और अब मैं पैक कर लेती हूँ टिफिन। तो पहले ये सब्जी मैं पैक कर लेती हूँ। ये अच्छे से शूट नहीं हो पाया, आधा अधूरा शूट हो पाया है, क्योंकि उस टाइम पे वेद उठ गया था और वो मेरे पीछे ही था जब मैं ये सब पैक कर रही थी। और यहाँ पे मैंने रोटियां रख दी, आज मेरे पास वो पेपर नहीं था इसलिए मैंने फॉइल में ही पैक कर दिया, और साथ ही में मैंने इनको पका पपैया था घर पे, तो वही साथ में एक फ्रूट भी दे दिया है। तो यहाँ पे आज का टिफिन बन के एकदम रेडी है, अब मैं ये पैक कर देती हूँ इनका टिफिन, और इनका टिफिन पैक कर देती हूँ, और फिर ये निकल जाएंगे अपने ऑफिस के लिए। तो आपको कैसा लगा आज का टिफिन बॉक्स की रेसिपी, आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। सुबह का काम तो मेरा कंप्लीट हो गया, मैं कुछ और कुछ आपसे शेयर करना चाहती थी ये टिफिन ब्लॉग के बाद, कि आप लोग, मैंने जितना सुना है और जितना मैंने देखा है उनके ब्लॉग्स में, एपी ब्लॉग्स में, उनके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है बच्चे का, तो इसलिए उन्हें फाइनेंशियली हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग उनके व्लॉग्स देखिए, और जितना हो सके उन्होंने मैंने आप जितना हो सके उन्होंने कुछ ज़्यादा अमाउंट आपसे मैंने फाइनेंशियली हेल्प नहीं मांगी है, पर जितना हो सके आप उतना हेल्प कीजिए। उन्होंने अपने व्लॉग्स में स्कैन का, या फिर आप जिस हिसाब से पेमेंट मोड उन्होंने बता रखा है, तो उस हिसाब से आप लोग अगर कर सकते हैं अगर उनकी हेल्प, तो प्लीज़ कीजिए, आयुष की हेल्प कीजिए कि बच्चा जल्दी से अच्छे से ठीक हो जाए। बस यही है मेरी रिक्वेस्ट और कुछ नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।